ये जो लाइफ साइकिल होता है प्लांट पेरेस्टिक निमेटोड का, इसमें जो 6 स्टेजेस होती है, पहला एग का होता है, उसके बाद 4 लार्वल स्टेजेस होती है जिसको हम जुवेनाइल स्टेजेस भी कहते हैं, और एक एडल्ट होता है, ठीक है। कितनी हो गई, 6 स्टेजेस होती हैं ओवरऑल। देयर आर 6 स्टेजेस। पहली कौन सी होती है, द एग, 4 लार्वल स्टेजेस होती हैं और एडल्ट का होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो है, इसके अंदर एग है, ठीक है। ये एग जब इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होगी तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, J1 बनाएगा, ठीक है। तो जो प्लांट पेरेस्टिक नेमेटोड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट पेरेस्टिक नेमेटोड्स में क्या होता है, जो J1 होता है वो इसके अंदर ही हैच कर जाता है, और जब हैचिंग इसकी हो जाती है, जब ये J2 बनता है तो इसके बाहर आ जाता है हमारे पास J2, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देखिए, इसका जब हमारे पास, जब J2 ये हमारे पास आया, मतलब कि कब आएगा, जब मोल्टिंग हो जाएगी, J1 से J2 जब बन जाएगा और हैच आउट हो जाता है किस स्टेज में, उस एग शेल से J2 स्टेज में, ठीक है। जो ये J2 होगा ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास J3 बनाएगा, फिर जो ये J3 होगा ये क्या बनाएगा, J4 बनाएगा, देखो। J4 से जब इसमें जब मोल्टिंग हो जाएगी तो ये क्या हमारे पास बनाएगा, आप बताइए, एडल्ट बनाएगा, वेरी गुड। ये मेल है हमारे पास, ये फीमेल, फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी वो देखिए, मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी में और उसमें रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, फिर ये J4 जब ये एडल्ट स्टेज आ जाती है फिर इसकी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कितने मोल्टिंग्स हुई, एक तो यहाँ पर हुई, जब J2 से J3 बनता है तो कौन सी मोल्टिंग होती है, थर्ड मोल्टिंग होती है, जब J1 से J2 बनता है तब कौन सी मोल्टिंग होती है, सेकंड मोल्टिंग होती है, जब यहाँ से एग से यहाँ फर्स्ट मोल्टिंग होती है, थर्ड, तो यहाँ पर 3 से 4, मोल्टिंग 4 होगी, ठीक है। ऐसे फिर हमारे पास एडल्ट आ जाता है, जो हमारे पास J2 स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है, वो हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज होती है, किनमें, टाइलेंचिड्स में, लेकिन जो रेनिफॉर्म रोटिलेंकस रेनिफॉर्म जो है ना हमारे पास, इसमें इन्फेक्टिव जो जो J4 है, इसको हम कहते हैं प्री एडल्ट स्टेज,
जो रेनिफॉर्म रोटिलेंकस रेनिफॉर्म है, ये जो प्री इसमें ये वाली स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव होती है, ठीक है। या अभी अभी तक हमने इतनी चीज़ें समझ ली। अब हम बात करते हैं, जो देखो जो ये एग है ना, जो एग है हमारे पास, ये जो एग शेल जो होता है, इसमें जो इसमें देखो जो रूट नॉट निमेटोड होते हैं, उनमें जो ये जो जिसमें एग स्टोर होता है, ये सिक्रीट करते हैं रेक्टल ग्लैंड। ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, 3-4 कंसेप्ट जो याद रखने हैं। और सिट्रस नेमेटोड में जो ये मास है, एग मास, ये कौन सिक्रीट करता है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका करता है। और सिस्ट निमेटोड में ये करता है, जो मतलब कि जो एग्स हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तभी तो सिस्ट निमेटोड इसको हम कहते हैं। जो हम मोल्टिंग का दूसरा नाम भी कहते हैं, हम इसको मोल्टिंग का दूसरा नाम जो है वो क्या है? ECDYSIS, इस एक्डाइसिस, ठीक है। देखो जो रूट नॉट निमेटोड जो होता है, उसका जो ये इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो 25 से लेकर 30 दिन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, जो हमारे पास जिफिनीमा है, लॉन्गिडोरस है, पैरालोंगिडोरस है, इसमें J1 जो होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ठीक है। और बाकियों में J2 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे जो हेटेरोडेरा एमिनी है, जो सीरियल सिस्ट नेमेटोड जिसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इसमें जो लाइफ साइकिल है वो यूनिवोल्टाइन होता है। मतलब कि एक साल में ये एक ही साइकिल जो है वो अपना कंप्लीट कर पाता है। अब कुछ जो होते हैं वो, जैसे मेलाइडोगाइन इनकॉग्निटा है, ये जो है ये है मल्टीवोल्टाइन। मतलब कि ये एक साल में बहुत सारे लाइफ साइकिल जो है वो अपने कंप्लीट करता है, ठीक है। अब कुछ देखो, जब हम फर्टिलाइज जब ये होता है रिप्रोडक्शन, इसमें एम्फीमिक्सिस भी होता है और हर्मोफ्रोडाइट, मतलब कि पार्थिनोजेनेसिस से भी हो सकता है और हर्मोफ्रोडाइट भी हो सकता है। जिसमें हर्मोफ्रोडाइट क्या हुआ, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब एक ही फीमेल, ये एक ही जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो एग्स भी बनाएगा और स्पर्म्स भी बनाएगा, लेकिन जिसका अपेयरेंस होगा वो किस तरीके का होगा, वो फीमेल, उसका जो अपेयरेंस होगा वो फीमेल का होगा, ठीक है। तो इसमें हम अभी तक हमने डिस्कस